जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आज हम आपको एक बार फिर से लेकर के आ गए हैं हरियाणा के लिए एक बड़ी अपडेट। जी हाँ, आज हरियाणा में आज जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। जी हाँ, रोहतक में अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रिलीज, किसान गरीब वर्ग पर रहेगा फोकस। जी हाँ, खबर को जानेंगे विस्तार से। अगर आप हरियाणा से हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें। जी हाँ, हम आपको बता दें हरियाणा के लिए भाजपा आज रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगा, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, वहीं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बार भाजपा अपने घोषणा पत्र में युवाओं और किसानों और गरीब वर्ग के विशेष घोषणाएं कर सकती हैं। मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी, जिसने लोगों से भी सुझाव मांगे गए। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने में विशेष फोकस किया है। बीपीएल परिवारों के लिए होंगी बड़ी घोषणाएं। जी हां, भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है, इसलिए वह कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इनके अलावा पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की तैयारी में है। 1,80,000 से कम आय वाले किसान लोगों के लिए भी घोषणा पत्र कई बड़े वादे थे, जारी नहीं हो सका था। जी हाँ, 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जसपा ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे, जिनमें गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी CMP बनाने के लिए कमेटी गठित की। हालांकि 4.5 साल बाद गठबंधन टूट गया, लेकिन CMP जारी नहीं हो पाया। वहीं 2019 में बीजेपी ने संकल्प पत्र में किए थे वादे। हम आपको बता दें, भाजपा के 2019 विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडे थे। इसमें हरियाणा के लोगों के साथ 258 वादे किए गए थे। भाजपा के पास 1,70,000 लोग सुझाव आए थे, जिनमें से यह संकल्प पत्र तैयार किया गया था। 258 वादों में हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया था। युवा, किसान, उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, दलितों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। 3 नए मंत्रालय, युवा विकास और रोजगार मंत्रालय, अंत्योदय व मानव संपदा मंत्रालय के गठन की कल्पना की गई थी। जी हाँ, खबर बस इतनी ही। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। जैसे ही संघ ये आपका जारी किया जाएगा भाजपा का, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सबसे पहले अपडेट देंगे। जी हाँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।